सो मैं एक कैमरा नर्ड हूँ, जो मेरे व्लॉग्स रेगुलरली देखता है उनको पता ही होगा कि मुझे फिल्म मेकिंग और फोटोग्राफी का बहुत बड़ा शौक है। और एज अ रिजल्ट मैं यूट्यूब पे जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है तो बहुत सारा फोटोग्राफी फिल्म मेकिंग रिलेटेड कंटेंट कंज्यूम करता रहता हूँ। और इस पैकेज के लिए मैं काफ़ी सारे महीनों के लिए इंतज़ार कर रहा था। सो सिग्मा नाम की एक कंपनी है जो लेंसेज और कैमराज प्रोड्यूस करते हैं, और जब से अक्टूबर में सिग्मा ने एक टीज़र अनाउंस किया तब से आई गॉट वेरी एक्साइटेड फॉर दिस, बिकॉज उन्होंने एक नई लेंस की अनाउंसमेंट की, विच इज़ द सिग्मा 18-50 f/2.8। अब देखो, ये अनाउंसमेंट करने के बाद यूजुअली जो फिल्म मेकर्स रहते हैं उनको सिग्मा टेस्टिंग के लिए एक लेंस भेजती है, और वो लेंस का इस्तेमाल करके वो फिल्म मेकर्स और वो यूट्यूब क्रिएटर्स एक रिव्यू पोस्ट करते हैं। और बहुत सारे रिव्यूज देखने के बाद आई वॉज कन्विंस्ड कि मुझे ये लेंस खरीदनी होगी, बिकॉज मैं अभी जिस लेंस पे शूट करता हूँ इट इज द सिग्मा 16mm। फर्क ये है कि अभी वाली जो लेंस है वो एक फिक्स्ड लेंस है, वो जूम इन नहीं हो सकती और जूम आउट नहीं हो सकती। इस लेंस का एडवांटेज है दैट आई कैन जूम इन ऑल द वे टू 50mm, जिससे मुझे बहुत सारे सिनेमैटिक शॉट्स और भी अच्छी ट्रेनिंग फुटेज मिले। लेट्स अनबॉक्स दिस। हाँ भाई, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। ऑलराइट, प्लास्टिक के पैकेज के अंदर है एक बॉक्स। यार मुझे कैची लानी चाहिए थी। ओह वाओ, इट ओपन्ड। यस, भगवान थैंक यू, आप सबको भी थैंक यू, आपकी वजह से मेरे पैशन के जो भी सपने हैं वो सच हो रहा है। दिस इज द लेंस सिग्मा 18-50mm f/2.8। ओह, 2 ईयर वारंटी भी आती है, विच इज़ गुड। ओके, एक वारंटी कार्ड जो उस दुनिया में कोई नहीं पड़ता। ओ, ये मुझे याद है, चेक दिस आउट। जब मैंने अपना ये वाला कैमरा खरीदा था तब मैंने, महर और नील ने अनबॉक्स करते वक्त इसके बारे में बहुत जोक्स किए थे, ये लेंस ऐसे अंडे के ट्रे में भेजते हैं। एंड दिस इज़ द लेंस, काफ़ी छोटी सी है यार, ये मेरे अभी वाले लेंस के कंपेरिजन में बहुत लाइट भी है। एक लेंस हुड और एक लेंस। ओह ब्यूटिफुल, दिस इज़ द सेटअप। ओके, ताकि आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिले, ये है मेरा करंट सेटअप। ये जो बॉडी है ये एक सोनी A6600 है, और इसके साथ जो लेंस यूज करता हूँ ये एक फिक्स्ड लेंस है, सो दिस इज द 16mm। ये जो लेंस है ये एक जूम लेंस है, आपको यहाँ पर दिख रहा है 18-50। सो अभी वाली लेंस 16mm पे लॉक्ड है, बिकॉज ये एक जूम लेंस नहीं है, ये एक प्राइम लेंस है। दिस लेंस कैन गो ऑल द वे अप टू 50। ऐसे मैं मैन्युअली इस लेंस को जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ टू गेट बेटर शॉट्स। ओके, अब जल्दी से करते हैं लेंसेज को स्विच, और मैं लेंस की और जो पुरानी लेंस है उसकी लेंस कैप भी लाया हूँ, सो दैट थिंग स्टेज प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पर एक बटन होता है, वो दबा के लेंस घुमा के आप लेंस को निकाल सकते हो। अब चीज़ यह है कि सेंसर ज़्यादा टाइम के लिए एक्सपोज नहीं रहना चाहिए। पुरानी लेंस रख दी, इस लेंस की कैप निकाल दी। अब यहाँ पर ऐसे एक ऐसे डॉट्स रहते हैं, सो यू मैच दैट, क्लिक, ओके, ये होगा हमारा नया सेटअप। चेक दिस आउट, आई कैन जूम इन ऑल द वे। ओह दैट इज़ ब्यूटिफुल, जूम आउट, जूम इन, मज़ा आ रहा है। 50mm 18mm 50mm 18mm। और चीज़ यह है कि ये एक्चुअली 50mm नहीं है, बिकॉज मैं एक APS-C सेंसर यूज़ करता हूँ। विदाउट गेटिंग टू स्पेसिफिक इनटू इट, APS-C सेंसर्स में एक क्रॉप फैक्टर होता है, सो जो भी लेंस यूज़ कर रहा हूँ, अभी 18mm लिया तो वो एक्चुअली 18mm नहीं रहता, उसको आई थिंक टाइम्स 1.4, 1.5 या 1.6, इन तीनों में से एक से मल्टीप्लाई करके जो फोकल लेंथ आती है वो इमेज अभी हम सबको दिख रही है। नाइस, कितनी छान लेंस है। हस बोका टेस्ट, देखो बैकग्राउंड ऐसे मस्त ब्लर हो गई है। इसको बाय द वे टेलीफोटो इफेक्ट कहते हैं। इस लेंस का मैं कहूँगा सिर्फ एक ही डाउनसाइड है, और वो डाउनसाइड है कि ये एक f/2.8 लेंस है। इसका मतलब इस लेंस का जो एपर्चर है वो सिर्फ f/2.8 तक जा सकता है, कंपेयर टू माई अदर लेंस जो एक f/1.4 लेंस है। अब थोड़े से डाउनसाइड्स, नंबर वन, मैं इस लेंस को लो लाइट में कंपैरेटिवली इतना ज़्यादा नहीं यूज़ कर पाऊंगा, विच इज़ अ लिटिल अनफॉर्चुनेट, बट परफेक्ट लेंस अभी तक ऐसे क्रिएट नहीं हुई है। मेरे पास एक और ऑप्शन था और वो था सिग्मा की 56mm लेंस, पर एक और बार वो भी एक प्राइम लेंस थी, सो मैं जूम इन जूम आउट नहीं कर पाता। और मुझे ओवरऑल एक वर्सेटाइल लेंस चाहिए थी, इस लेंस के साथ मैं व्लॉगिंग भी कर सकता हूँ, ऑल द वे जूम इन करके थोड़े बहुत सिनेमैटिक शॉट्स भी ले सकता हूँ, सो आई एम वेरी हैप्पी विद द परचेज। जाते हैं एक वॉक पे।